आगे शुरू करते हैं मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर के बारे में। अकबर जिसका शाब्दिक अर्थ महान होता है और अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच था। अकबर जो मुगल वंश के तीसरे शासक थे जिनका शाब्दिक अर्थ अकबर का अर्थ महान होता है, अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच था। अकबर के मूल नाम की बात कर ले कि इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका वास्तविक नाम था। इनके पिता का नाम हुमायूं और इनके माता का नाम हमीदा बेगम। जन्म 1541 ईस्वी में 1542 ईस्वी में राणा विरसाल के महल में। राणा विरसाल के महल में 1542 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आपको बता दें जिस समय इनका जन्म हुआ इनके पिता हुमायूं एक निर्वासित जीवन के रूप में भगोरा जीवन क्या कर रहे थे, व्यतीत कर रहे थे। और अकबर का जो बचपन था कुछ दिनों तक अस्करी के देखरेख में, अस्करी के संरक्षण में बीता प्रारंभिक जीवन। राणा बिरसाल के महल में इनका जन्म हुआ लेकिन कुछ वर्षों तक इनका देखरेख अस्करी के संरक्षण में, और अस्करी अकबर के क्या थे, चाचा थे। अकबर के प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षक या संरक्षक देख ले मुनीम खान थे। कौन थे? मुनीम खान अकबर के प्रारंभिक शिक्षक भी थे, प्रारंभ वाला, और संरक्षक भी थे। अकबर के जन्म के समाचार हुमायूं को तर्दी बेग ने दिया था। किसने? तर्दी बेग ने। अकबर का एक हुमायूं का एक सिपाही थे। जब अकबर का जन्म 1542 में राणा बिरसाल के महल में हुआ था तो तर्दी बेग भागते भागते हुमायूं के पास गया था, कहा था कि महाराज आपको एक युवराज हुआ है, मतलब बेटा हुआ है। यहीं पर हुमायूं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि लगातार तो कष्ट में बीत ही रहा था, दुख में भी इनको सुख की क्या हुई थी, अनुभूति हुई थी। और इन्होंने कहा जाता है कि अपने पुत्र अकबर के जन्म के अवसर पर अपने मित्रों के बीच, अपने संत फकीरों के बीच कस्तूरी बांटा था। उसका नाम था कस्तूरी, मतलब कोई सुगंधित पदार्थ ही था, और कस्तूरी जो है हिरण के नाभि से निकलता है। और कस्तूरी बांटते हुए हुमायूं ने अपने इष्ट मित्रों से कहा था कि हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि जिस प्रकार से कस्तूरी का सुगंध पूरे जंगल के वातावरण को सुगंधित कर दिया है, हमारे पुत्र का नाम भी ऐसे ही पूरे संसार में फैल जाए। कहा जाता है कि हुमायूं शाह तमस्क, मैंने कल के क्लास में चर्चा किया था, हुमायूं शाह तमस्क की सहायता से, उनकी सेना की सहायता से काबुल, कंदहार,
पंजाब, गजनी, इन सबको क्या कर लिया, जीत लिया। और 1551 ईस्वी में अकबर को हुमायूं ने कहा का गजनी का क्या बना दिया, सूबेदार। 1551 ईस्वी में अकबर को हुमायूं ने कहा का गजनी का सूबेदार बना दिया। और इस समय अकबर का उम्र मात्र 9 वर्ष था। कितना वर्ष? मात्र 9 वर्ष के अवस्था में गजनी का सूबेदार बना दिया। और इनके देख रेख करने का जिम्मा, मतलब अकबर के देख रेख करने का जिम्मा किसे सौंप दिया था? मुनीम खान को। प्रारंभ में मुनीम खान ही इनकी देख रेख सुरक्षा करते थे, पढ़ाते भी थे, ज्ञान भी देते थे, लेकिन देख रेख भी, सुरक्षा भी करते थे। लेकिन अकबर को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, मतलब अकबर क्या था, अनपढ़। ऐसा मुगल बादशाह जो क्या थे, अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ थे इसके मतलब गवार नहीं कहेंगे, बहुत बुद्धिमान थे। इतना बुद्धिमान मुगल वंश में कोई राजा हुआ ही नहीं। बुद्धिमान और अनपढ़ में अंतर होता है। पढ़ाई से केवल शब्द का ज्ञान होता, अक्षर का ज्ञान होता है, बुद्धि एक अलग बात है। तो अनपढ़ था, पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। 1555 की कहानी है, क्योंकि 1555 की कहानी है कि हुमायूं कौन जितलाया, जीत लिया मछीवारा। मछीवारा का लड़ाई जीत लिया। मछीवारा हरियाणा में सतलज नदी के किनारे एक जगह है। 1555 ईस्वी में जब मछीवारा का युद्ध क्या कर लेता है, जीत लेता है, तो हुमायूं ने अकबर को क्या बना दिया, अपना युवराज घोषित कर दिया। कब? मछीवारा युद्ध में विजय के बाद हुमायूं अकबर को अपना क्या घोषित कर दिया, युवराज घोषित कर दिया। और कहा जाता है कि युवराज घोषित कर देने के बाद अब नया संरक्षक बन गया, नाम था बैरम खान। क्या नाम था? युवराज से पहले इनका संरक्षक मुनीम खान था, लेकिन जब युवराज बन गए इनका संरक्षक कौन बन गया? बैरम खान। हुमायूं का सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति था। हुमायूं के जीवन में उससे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति मिला ही नहीं। मुख्य सेनापति भी था, अकबर का सबसे बड़ा, सॉरी हुमायूं का सबसे बड़ा सलाहकार, विश्वसनीय, और यहां तक कि वह वकील के पद पर भी था। वकील मतलब प्रधानमंत्री। मुगल काल में अकबर से पहले प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। अकबर ने वकील का पद बदलकर उसे वजीर कर दिया। अकबर के काल में वकील का नाम क्या पड़ गया? वजीर। काम सेम था, नाम बदल गया। तो संरक्षक कौन बना? बैरम खान। जैसे ही बैरम खान अकबर का संरक्षक बना, तो अकबर को पढ़ाने के लिए शिक्षक को बहाल कर दिया। शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ। अब्दुल मतलब अकबर का रियल शिक्षक कौन बन गया? अब्दुल लतीफ बन गया। और अब्दुल लतीफ की नियुक्ति किसने किया? बैरम खान ने किया था। कहा जाता है कि संरक्षक भरे ही बैरम खान हो, लेकिन अकबर चूंकि बच्चा था, इनका अंग रक्षक बना दिया गया। अंग रक्षक, हमेशा साया की तरह इनके साथ रहे, किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमेशा सहायता करे। उनका नाम था मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम अकबर का क्या बन गया? अंगरक्षक, मतलब बॉडीगार्ड। मिर्जा हकीम था कौन? तो मिर्जा हकीम मुनीम खान का बेटा था। मिर्जा हकीम कौन था? मुनीम खान का बेटा था। क्योंकि पिता ही विश्वास पात्र है, तो पुत्र को गारंटी है कि विश्वास पात्र होगा ही। और
अकबर के लाइफ में बदलाव आता है, यह बदलाव 27 जनवरी 1556 को, जब अकबर के पिता हुमायूं का निधन हो जाता है। किसका निधन? हुमायूं का निधन हो जाता है। कब? 1556 में। कई तारीख को? 27 जनवरी को। कैसे मरे थे? तो सीढ़ी से गिरकर मरे थे। नहीं, इस समय अकबर था कहां? पंजाब में। इस समय अकबर कहां था? क्योंकि हुमायूं तो सीढ़ी से गिरे थे 24 तारीख को, उस समय अकबर गजनी में था, क्योंकि गजनी के क्या थे? हुए सूबेदार थे, मतलब राज्यपाल थे। इस बात की सूचना उनको मिल गई कि हमारे पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। अगर कुछ विद्वान की माने तो हुमायूं सीढ़ी से गिरा, तत्क्षण मर गया। हुमायूं के सेम चेहरा का एक व्यक्ति था जिनको सिंहासन पर क्या किया गया, बैठाया गया, कहा कि नहीं बादशाह अभी क्या है, जिंदा है, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है। हुमायूं के सेम चेहरा का था, नकल सकल आवाज सब मिलता था उससे। इस बात को केवल और केवल बैरम खान ही जानता था, कुछ विद्वान लिखते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी एक व्यक्ति को हो गई थी। वह व्यक्ति कौन था? हेमू। कौन था? एक व्यक्ति था हेमू, जो आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। एक अफगान शासक थे आदिल शाह, इसी आदिल शाह का वजीर कौन था? इसे दिल्ली का सुल्तान बनने का, दिल्ली का बादशाह बनने का बड़ा सपना परख ये था। जैसे पता चला हुमायूं क्या हुआ मरा, उसका बेटा यहाँ नहीं है, बैरम खान भी यहाँ नहीं है, हेमू वीर नहीं, महावीर था। हुमायूं के मरने का समाचार सुनते ही हेमू मालवा कनौज जीतता हुआ सीधे कहाँ पहुंच गया? आगरा, दिल्ली नहीं, आगरा। और आप क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कर लिया आगरा पर, कब्जा कर लिया। और आगरा पर हेमू ने कब्जा कब कर लिया तो आपको बता दें, जनवरी 1556 में हेमू ने क्या कर लिया? अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। 350 वर्षों के बाद दिल्ली के इतिहास में ऐसा घटना घटा कि जब कोई एक भारतीय व्यक्ति दिल्ली के राज सिंहासन पर आकर के तख्त पर बैठा, क्योंकि 1206 ईस्वी से, 1200 मैंने कहा कि 1206 ईस्वी से अगर लगातार ले ले 1556 तक, 505 3 कट गया, ठीक तो कहा हमने, 350 वर्ष से कोई इंडियन व्यक्ति दिल्ली के तख्त पर नहीं बैठ रहा था। हेम भले ही आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, लेकिन था ये क्या? इंडियन। मौका मिला, एक स्वतंत्र शासक के रूप में राज करने की इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करे। इनको लगा कि हम आगरा पर कब्जा कर लेंगे तो हम और आदिल शाह को भी कर लेगा, योग्य था ही। भारत के इतिहास में 14 ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। मतलब भारत के इतिहास में कितने राजा हुए हैं? 14 ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा कौन था? और दिल्ली के राज सिंहासन पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? हेमू आदिल शाह का क्या था? प्रधानमंत्री था, वजीर था, सत्ता को क्या कर लिया? रब लिया। इस बात की सूचना बैरम खान को क्या होती है? मिल जाती है। बैरम खान भी हेमू के कुशलता से वाकिफ था कि हेमू कितना बड़ा निशानेबाज है, रण कुशल है, बैरम खान खूब जानता था। लेकिन बैरम खान के ऊपर जिम्मेवारी थी किसकी सुरक्षा की? अकबर की सुरक्षा की जिम्मेवारी थी। कहा जाता है
कि बैराम खान को पता चले कि हेमू ने कब्जा कर लिया है तो सैन्य का टुकड़ी भेजा कि जाओ हेमू को मारपीट के वहां से क्या कर देना। लेकिन उनकी सेना भी जानती थी, नहीं सर्कस में शेर को देखने पर हम भी ताली बजाते हैं, लेकिन जंगल में कुछ खुटा कर शेर को देख लिया जाए नहीं, आवाज बंद हो जाएगा ना, तो खिड़की बंद हो जाना, सो वाली कहानी थी। बैराम खान ने लगभग 4 या 5 बार सैन्य टुकड़ी भेजा किसको भगाने के लिए, लेकिन सभी टुकड़ी आगरा पहुंचने से पहले रास्ता क्या कर लेता था, बदल लेता था, अलग अलग एरिया में भाग जाता था। कौन जाएगा प्राण को भगवान ने, क्यों वहां मरबो करेंगे, कुछ मिलने वाला थोड़ी ना है, लूट के हमको बहुत मिल जाएगा, कोई नहीं गया। अंत में बैराम खान क्या करते हैं, 14 फरवरी 1556 को पंजाब राज्य के गुरुदासपुर जिला, कहां गांव का नाम कालानौर, गांव का नाम क्या था, किसका अकबर का, क्या कर दिया राज्याभिषेक। मान ली ऐसा पैसा परिस्थिति था कि ऐसा राजा था जिनको राजा बने ईटा का उच्च बचाने से जोड़ दिया, राजा का राज्याभिषेक राज सिंहासन पर होता है, लेकिन मजबूरी थी, ऐसी मजबूरी की ईटा के 10 को 20 को जोड़ के ना कुछ बना लेता है। अंगद को बैठने के लिए रावण ने सिंहासन नहीं दिया, पूछ कहीं इतना ऊंचा सिंहासन बना दिया कि रावण को ऊपर देखने में मुकुट गिर गया कि बंदर भी इतना ताकतवर होता है क्या, इतना बल होता है क्या, गिरा दिया मुकुट। कालानौर यहां पर ईटा का बना दिया, वहां पर जैसे तैसे अकबर का क्या करा दिया, राज्याभिषेक करा दिया। राज्याभिषेक कराकर बार बार सेना को भेजता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। वगैरह हमको खुद अब मैदान में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मतलब समझिए कि 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन 5 नवंबर तक 1500 अकबर को हेम दिल्ली में घुसने, आगरा में घुसने नहीं दिया। मतलब सोच सकते हैं लगभग 8 महीना दिल्ली पर चाहे आगरा पर कब्जा जमा के कौन रखा, हेमू। अंत में 5 नवंबर 1556 की कहानी है, अकबर की सेना या मुगल सेना बैराम खान के नेतृत्व में हेमू से क्या हो गई, भिड़ंत हो गई। 5 नवंबर 1500 कहां, हरियाणा में, कहां किस मैदान में, पानीपत के मैदान में। और पानीपत के मैदान में इससे पहले भी एक बार लड़ाई हुआ था 1526 में, उसे पानीपत का पहला युद्ध कहा गया। और यहां पानीपत का कौन सा लड़ाई हो गया, दूसरा युद्ध हो गया, गलत किसे। इस युद्ध में युद्ध हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन एक तीर संदूक से, यहां भी बैराम खान ने षड्यंत्र किया था। नियम है युद्ध का कि राजा ही राजा से लड़ेगा, सेना सेना से, रथी रथी से, अश्व वाले अश्व से, गज वाले गज से लड़ेंगे, युद्ध की एक रणनीति होती है। क्योंकि युद्ध राजा लड़ते हैं, जानवर नहीं लड़ते हैं। धोखा से एक धोखा कहो या छल कहो, तीर जाकर के क्या हो गया बैराम खान के, सॉरी हेमू के क्या होता है, आंख में लग जाता है। हेमू हाथी से क्या होते हैं, गिर जाते हैं, सेना तितर बितर हो जाती है, और बैराम खान के द्वारा हेमू की युद्ध के मैदान में ही हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद आगरा के राज सिंहासन पर, या यूं कहें दिल्ली के राज सिंहासन पर, आगरा तो नहीं, दिल्ली ही कहा जाता है, दिल्ली के राज सिंहासन पर किनका, अकबर का राज्याभिषेक विधिवत तरीका से, मतलब आराम से उनको पार्टी साथी के साथ ढोल नगाड़ा बजा के साथ इनको बैठाया गया। कहा जाता है कि अकबर जब दिल्ली का राजा बन गया तो बैराम खान को, बैराम खान के सहायता से इनका राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा इनका राज्याभिषेक के साथ साथ सिंहासन भी इन्हीं के काबिलियत से मिला इनको, हेमू तो अकबर को भगा दिया रहा था। तो अकबर राजा बनने के बाद बैराम खान को अपना क्या बनाया,
वकील, जो बाद में वजीर, जो कही आप, मतलब पीएम प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रधानमंत्री बनाकर बैरम खान को अकबर ने खान ए खाना कहता था, स्वयं खान बाबा अलग बात है, लेकिन खान ए खाना की उपाधि दिया था। स्वयं अकबर खान बाबा कहते, लेकिन पदवी क्या था, खान ए खाना की क्या दिया, उपाधि दिया। ये बैरम खान 1556 से 1560 तक अकबर का क्या रहे, संरक्षक रहे, क्या रहे, सुरक्षा प्रदान करने वाले रहे। लेकिन कहा जाता है कि 4 वर्षों के शासन काल में बैरम खान एक सिया मुसलमान था। कई ऐसे पद थे जिन पर इन्होंने हुमायूं के काल के जो सरदार थे, बाबर के काल के जो सरदार थे, उनकी सरदारी क्या कर लिया था, छीन लिया, और अपने विश्वासपात्र लोगों को ऊंचे ऊंचे पद पर बैठाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तब तक अकबर 1560 में बड़ा हो गया था, डिसीजन लेने में भी सक्षम था, काबिल था, अभी नहीं किसी के सलाह की जरूरत नहीं थी। लेकिन अकबर को इस बात का ख्याल हो गया था, पता चल गया था, गुप्तचर ने इनको सलाह आकर दे दिया था कि भाई आपके साथ कभी भी अनहोनी हो सकता है कि बाबर के काल के सरदार को, हुमायूं के काल के विश्वासपात्र व्यक्तियों को पद पर से हटा करके नए नए व्यक्ति को बताया जा रहा है जिनकी भक्ति आपके प्रति नहीं, बैरम खान के प्रति थी। और अकबर के कान भरने वाला व्यक्ति कौन था बैरम खान के विरुद्ध, तो वह महामंगा, अकबर की दाई माता, उसका बेटा आदम खान, राजमाता हमीदा बेगम, जीजी अंगा, जो हरम की मेन महिला लोग थी, ये अकबर के कान भरने का काम करते। तुम बालक हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा कुछ दिन के बाद तुम्हारा वो छत्र का यूज करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, संभल कर रहने की जरूरत है। गुप्तचर ने भी इन बात को ये कह दिया। 1560 ईस्वी की कहानी है। अकबर ने बैरम खान को क्या किया, दीवान ए खास में बुलाया। कहा बुलाया, राज परिवार में राजा आम आदमी से जिस हॉल में मिलते हैं उसको दीवान ए आम कहा जाता है। दीवान ए आम एक ऐसा हॉल होता है जहां मुगल वंश के राजा अपने आम जनता से मिलते थे, उनकी समस्याओं का को सुनते थे, उनके समस्याओं का समाधान करते थे। लेकिन दीवान ए खास ऐसा हॉल था या ऐसा कमरा था जिसमें राजा सबसे नहीं केवल अपने विश्वासपात्र लोगों से मिलते थे, उनकी सलाह को सुनते थे, उन्हें गुप्त बातों को कहते थे। तो अकबर ने बैरम खान को दीवान खास में बुलाया और दीवान में खास में बुलाकर इनके सामने कहा कि आप तो बुजुर्ग हो गए हैं, पिता के समान हैं, हमने तो पिता का ज्यादा स्नेह प्यार भी नहीं देखा, आपका ही देखा। सोचा कि अकबर, हमने क्या कहा, अनपढ़ था लेकिन बड़ा बुद्धिमान, बड़ा हिसाब से काम लिया कि हम चाहते हैं कि अब ये इधर उधर की दुनियादारी वाली बात है आप छोड़ दिया जाए, आप 3 काम कीजिए ना, कहे दिमाग लगाइएगा ज्यादा। पहला, कालपी या चंदेरी का सुबेदार बन जाइए। कहां का सुन लीजिए, जितना जगह दिया, या तो कालपी का बनिए, नहीं तो कहां का चंदेरी का सुबेदार बन जाइए। दूसरा सलाह दिया, दरबार में हमारे गुप्त सलाहकार बन जाइए। तीसरा कहा, हाँ, मक्का मदीना, क्या करिए, हज करने चल जाइए। कहावत है, बैरम खान तो अपने मुसीबत समझ गया कि हमको इतना ऊंचा पद, सलाह सुंदर सुंदर बात करके नहीं, बढ़िया तरीके से बेइज्जत कर दिया, हमारे बात का खुलासा इसको हो गई। बैरम खान ने कालपी चंदेरी के बात को ठुकरा दिया, दरबार में गुप्त सलाहकार बनने को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, कहा कि हम मक्का मदीना क्या करने जाएंगे, हज करने जाएंगे। अकबर भी बैरम खान को मक्का मदीना जाने के लिए, हज पर जाने के लिए पूरी तैयारी कर दिया,
खाने पीने के लिए, उनके सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था कर दिया कुसेना की टुकड़ी के साथ। अकबर ने बैरम खान को कहा हज पर जाने के लिए क्या कर दिया, तैयार कर दिया। कहा जाता है बैरम खान हज करने के लिए जाते गुजरात के आगे बढ़े, जगह का नाम था पाटन, क्या नाम था, गुजरात में थोड़ा सा आगे बढ़े, गुजरात में एक जगह पड़ता है पाटन। एक अफगान युवक था, नाम था मुबारक खान, क्या नाम था, मुबारक खान, मुबारक खान से क्या था, अफगान था। बैरम खान की क्या कर दिया, हत्या कर दिया, काय हत्या कर दिया। तो 1555 में मछीवाड़ा के युद्ध में, किसमें, मछीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खान के पिता की हत्या कौन कर दिया था, बैरम खान कर दिया। उस चीज को मुबारक खान ने अपने आंखों से क्या किया था, देखा था, किसने निर्दयता पूर्ण तरीके से अपने पिता की हत्या कर दिया। क्या कर दिया, बदला ले लिया। अब रास्ते में ही इनका क्या हो गया, मज हो गया, नहीं शहीद हो गया, शहीद हो गए, सब मिलिए गया। अब प्रश्न है, मनसा तो वही था कि भाई हज पर जा रहे हैं, मनसा इनकी पूरी नहीं हुई, हुआ कि तुमको आगे आने की जरूरत, तुम्हारी इबादत हम रास्ते में स्वीकार कर लेते हैं। इंसान को सजा उसके कर्म का होकर जाना पड़ता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब बैरम खान की मृत्यु हो जाती है, तो बैरम खान के मरने के बाद अकबर की अगर बात कर ले तो 1560 से 1562 तक अकबर हरम के प्रभाव में रहा, हरम के प्रभाव में रहा। अब ये हरम क्या होता है, तो मुगल काल में हरम तो ऐसे फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब पवित्र स्थान होता है। मुगल काल में महिलाओं के संसार को हरम कहा जाता था। इस हरम में पुरुषों का प्रवेश किया था वर्जित था। इस हरम में राज परिवार की महिलाएं, उनकी सेवा करने वाली कुलीन महिलाएं, उनकी सेवा करने वाली दासियां, दास नहीं दासियां, वो कुछ किन्नर रहा करते थे। हाँ पर हाँ छक्का सत्ता जो करिए आप सोचे, किन्नर अंग्रेजी में गे, अब 12वीं में आ गए हम, उससे छोटे छोटे शब्द उचित नहीं है, छक्का सत्ता नहीं करना है, किन्नर करना है, गेयर गलत सही। हरम के प्रभाव में आ गया और हरम की जो सबसे वरिष्ठ महिला थी, नाम था उनका महामंगा, क्या नाम था, महामंगा, ये दहाय माँ थी, अकबर का बचपन में पालन पोषण ये की थी, बड़ा स्नेह से रखी थी। अब 1560 से लेकर 1562 तक अकबर जो भी काम करता, जो भी डिसीजन लेता, वह महामंगा से सलाह लेकर ही करता था, अपने मन से कुछ नहीं करता था। तो अकबर के इन दो वर्षों के शासन को पर्दा शासन, कौन शासन, या पेटीकोट शासन करते हैं, कौन शासन, क्योंकि महिला पर्दा का चीज है और पेटीकोट महिला का एक वस्त्र है। विद्वानों ने नाम दिया पर्दा शासन या पेटीकोट शासन, कब थी, 60 से 62 वर्ष की थी। अब यहां अकबर मेरे ख्याल से कितने वर्ष को जाते हैं, 20 वर्ष के, कितने वर्ष के, 18 वर्ष के, 62 मतलब 20 वर्ष के हो जाते हैं अकबर। इस पर्दा शासन में भी अकबर को एक बात की जानकारी हो गई कि महामंगा खूब राजनीति कर रही है मेरे साथ, क्योंकि महामंगा का बेटा था आदम खान, क्या नाम था, आदम खान। आवाम के सामने हमको जलील करके, बदनाम करके आदम खान को सुल्तान बनाना चाहती है। कई बार इस बात की जानकारी भनक अकबर को क्या हो गई, मिल गई। तो आप रिश्तेदारी में जो हो इससे मतलब नहीं होता है। राजनीति कहती है कि राज के प्रति जो द्रोह करे उसकी सजा फांसी होती है, क्योंकि मां थी, मां की तरह की अकबर ने थोड़ा उन पर दया दिखाई,
कहा कि आपने जो राज्य के प्रति, राजा के प्रति नहीं, राज्य के प्रति आपने द्रोह किया है, इसकी तो एक ही सजा है कि आपको क्या दिया जाए। लेकिन हम आप पर रहम करते हैं, रहम इसलिए कि आप हमें बचपन में पाले हैं, नहीं तो जेल में क्या कर दिया, आजीवन कारागार में डाल दिया। और महापंगा के बेटा तुम इसी के लिए नहीं किए हैं, तुम्हारे आंख के सामने इसको सजा मिलेगी, लेकिन ऐसी होगी कि कभी राज के प्रति कोई द्रोह नहीं करेगा। किला के ऊपर से फेंकवा दिया जिंदा, तीन बार फेंकवाया था, कहा कि तब तक फेंको जब तक मरे नहीं, कहा कि फांसी नहीं देखो ना मर जाएगा, सिपाही लेके जाओ फेंक दो छत पर से, देखो उठा के जिंदा है, फिर उठा के ले जाओ फिर फेंको, तब तक उठाने का करते रहो जब तक ये मरे नहीं। क्योंकि तो राज्य के प्रति द्रोह इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। अब महामंगा कौन थी, मैंने तो कह दिया धाई माँ थी, माँ के समान ही थी, माँ ही थी समझो ना। अब यहां अकबर 1562 में स्वतंत्र राजा के रूप में काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। छोटी सी बात हमने कहना छोड़ दिया कि 1560 ईस्वी में अकबर बैरम खान से क्या हुआ था, मुक्त हुआ था। तो इस समय बैरम खान की एक बेटा था, नाम था अब्दुल रहीम, क्या नाम था, मात्र इनका उम्र 4 साल था। तो अकबर ने क्या किया, अब्दुल रहीम को अपने पुत्र के जैसा क्या दिया, संरक्षण दिया, पढ़ाया लिखाया। और जब वह ये अब्दुल रहीम बड़ा हो गए तो अपने इन्हें खाने खाना की क्या दिया, उपाधि दिया। और अकबर के दरबार में 9 बड़े बड़े अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है, अपने नवरत्न में शामिल कर लिया। और बैरम खान की विधवा थी, नाम था सलीमा बेगम, क्या नाम था, इन्हें पत्नी का दर्जा दिया। और पत्नी का दर्जा देकर राजकीय सम्मान के साथ इनको हरम में स्थान दिया गया। पत्नी का दर्जा देना मतलब ये नहीं कि पत्नी, मतलब राजा की पत्नी का दर्जा मिल गया, मतलब उतना सम्मान के साथ उनको आदर मिलेगा, उनको आदर दिया गया। ये भ्रम में ओछी मानसिकता वाले दिमाग नहीं लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कम सोचने वाले लोग हैं, नेगेटिव सोचने वाले क्या होते ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि वह दर्जा जब दे जाएगा तो लोग सलीमा बेगम को किस नजर से देखेगा, आप सोच सकते हैं ना। तो सम्मानित पद दिया इनको। और अब्दुल रहीम इतिहास में अपने दोहा के लिए प्रसिद्ध है, क्या किसके लिए, इनकी रचना है जिसमें लगभग 300 दोहा है, दोहावली में रहीम के, शायद आप लोगों के बैच में था ना ये, जो रहीम ओ छो बधे तो अति तराई, प्यादा सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाई, नहीं बुझाएगा ना। क्योंकि कहने रहीम चाह रहे थे कि ओच आदमी यदि बड़ा होता है तो बहुत इतराता, बहुत टेढ़ टेढ़ चलता है। शतरंज के खेल में प्यादा मतलब सिपाही को अगर ऊंचा पदाधिकारी बना दो, अपनी औकात को भूल जाएगा, चपरासी सो कई काम करवाना हो देखो ना, लगेगा हम बाबुए बन गए। और डीएम साहब से बात करो, लगेगा अरे यही डीएम है, उनके बात करने के लहजा से पता ही नहीं चलेगा कि हम डीएम से बात कर रहे हैं। और आप लोग जैसे बच्चों पर भी उन्होंने लिखा कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करो बड़े अंधेरो होई, ना बुझाया होगा ना, अच्छा बात है ना, मुझे कोई फायदा है ना, तो ध्यान से वो नहीं करेगा पढ़ने। रहीम साहब का कहना है कि जो रहीम गति दीप की, अर्थात जो गति दिव्या का है ना, वही गति बेटा का है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, वैसा ही कुपात्र बेटा का है। क्योंकि जब दिव्या को जलाओगे ना तो अंधेरा को नाश करेगा, उजाला फैलाएगा। तो ऐसे ही घर में बेटा होता है खूब डीजे डिगना खूब होता है कि बेटा हुआ है, खुशी मनाता है, डीजे आता है, खूब मिठाई बढ़ती है। लेकिन दिव्या को कुछ देर जला के छोड़ दो तब पूरा घर में कजरी फैला देगा, कहीं बेटा हो गया कुपात्र, आईफोन करेगा वो तो बेटा हमारे साइकिल को शीशा फोड़ दे लो, देखा ना भोर ही से अपना दूरा को बैठो की बात हो, कभी थाना से आएगा आके बेल करा लीजिए। उस बाप को मरने के लिए जहर की जरूरत नहीं है जिसके पिता जिसके पुत्र का कंप्लेन तो 4 दिन के बाद आता रहा, उसको मारने के लिए जहर देने की कोई जरूरत नहीं है। उसको ब्लड प्रेशर क्यों होगा, वो तो अपना ही ब्लड प्रेशर हो जाएगा, टेंशन में हो जाएगा।
हो जाएगा। तो ये थे बैरम खान के पुत्र रहीम। अब आगे चर्चा करते हैं। अकबर तो पढ़ लिख नहीं सके, लेकिन अकबर एक महान साम्राज्य निर्माता बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरा उत्तर भारत हमारे सत्ता में आ जाए। अपने सलाहकारों से, अपने प्राचीन विश्वास पात्र लोगों से मिला, उनसे पूछा जाना कि आखिर वजह क्या है कि हमारे पिता करा जो ही आलम से पालम वाला कहानी कि आगरा से दिल्ली तक हिला गया, उसे आगे क्यों नहीं बढ़ा, जो जीता बाद में निकल गया है। कुछ लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने इनको समझाया कि शासन और धर्म दो अलग अलग चीजें होती है, दो अलग अलग बातें होती हैं। आपके दादा जी ने तो अधिक राज्य नहीं किया, लेकिन आपके पिता के शासन करने के तौर तरीके में दो प्रकार की कमियां थी। पहली कमी उनकी उदारता। उदारता इसलिए कि जिस शत्रु को पराजित किए बिना माफ कर देना। पिता ने कह दिया साम्राज्य के बंटवारा कर दो, साम्राज्य के बंटवारा करने में भाई लेकर हम ने बंटवारा कर दिया, अपने बंटवारा कर दिया, भाई आपका साथ नहीं दिया। और दूसरी कमी कि जिसने आपको हेल्प के लिए कुछ कहा, उसने भी आपने हेल्प नहीं किया। गलती सही, आपसे कोई सहायता मांग रहा है तो आपको समझता है तब मांग रहा है। एक बड़े संत ने कहा, भिखारी तुम्हारे पास आता है, अपने आप को भाग्यशाली समझो। गलत सही, क्योंकि इसलिए आया कि समझता ही हमको देगा, इसकी औकात है कि हमको क्या कर सकता है। सबके पास कहा जाता है, जानता कि हमसे ज्यादा की भिखारी ये है, तुम्हारे पास जाता ही नहीं। नहीं, सोचने का अलग अलग अपना अपना क्या है, तरीका है, नजरिया है। तो प्रश्न है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कि अगर साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं तो आपको राजपूतों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि राजपूत से दुश्मनी करके भारत में कोई चाह ले कि भाई विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लूं, कदापि संभव नहीं है। क्योंकि राजपूत वीर नहीं, सूरवीर है। नहीं सुना, में क्षत्रिय जो हाथ में हमेशा छत्र धारण करता है, तलवार निकल गया तो बिना लाल अंदर ना घुसेगा। हाँ, हमने कहा तो अकबर ने कहा भाई हम तो झुकेंगे नहीं, अपने झुकना मतलब अपने इस खानदान की मर्यादा को क्या करना है, डाउन करना है। लेकिन इस ताक में था कि कोई आके हमसे एक हाथ तो बढ़ाए, हम तो चारों हाथ बढ़ाते हैं, गोर हाथ दूर पतक लेंगे, माथा पर माथा बैठा लेंगे, हम उनके सम्मान में कमी होने देंगे तब ना। यही बात सोचकर अकबर ने 1562 की कहानियां सुनने से कहा कि मैं अपने राज्य की क्या करूंगा, शुरुआत करूंगा। और सुनने से राज्य की शुरुआत करने के लिए ये सोचे कि चलो अजमेर चलते हैं। कहां चलते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोहम्मद गौरी के काल में इंडिया आए थे, राजस्थान के अजमेर शहर में खानकाह बनाकर इन्होंने सब में प्रेम और भाईचारा के बीज बोने का काम किया था। अजमेर शरीर की यात्रा करने, जियारत करने जा रहे थे। इसी जियारत करने की कहानी है 1562 ईस्वी की। राजा जाएगा तो खाली थोड़ी नहीं जाएगा, क्योंकि दुश्मनी जरूरी नहीं कि आप अच्छे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आपके पिता ने किस तरह गड़बड़ी किया है, आप उसके पुत्र हैं तो सजा झेलना पड़ेगा। गलत नहीं बोला, सही बोला हूं। ना मैं अगल बगल में देखा हूँ, पिताजी बहुत बड़े उनके तात्री थे, कहीं बजा गड़बड़ी करते धरा के बेटा तत्व मार मारा, तत्व मारते 3 महीना रहा अस्पताल से, हवा सो नहीं लिया कि हमको ये कर दिया। तो पिता की अच्छाई कर्म और बुरे कर्म का सजा पुत्र को भी कई बार झोंकना पड़ जाता है। तो राजा थे भाई, लड़ाई में तो हुमायूं कितने लोगों को मारे थे, क्या पता कि हमारा दुश्मन नहीं होगा। तो सेना के साथ जा रहे थे, जाने के क्रम में रास्ते में एक राज्य पड़ता था आमेर, और आमेर का राजा कौन था, भारमल। कुछ विद्वान कहते हैं कि दोनों में लड़ाई हो गया, और कुछ विद्वान कहते हैं लड़ाई नहीं हुआ, भारमल को शौक हो गया हमारा पटाई करे आ रहा है, हम इसे जीतने वाले नहीं है, अरे लड़ने तो नहीं जा रहा है, तो जियारत करने जा रहा था। तो भारमल आके अकबर के सामने मित्रता का हाथ बढ़ाया, बड़ी खुशी से अकबर ने इसकी मित्रता को स्वीकार कर लिया। और भारमल ने अपनी पुत्री
जोधा भाई का विवाह किसे करा दिया था? लेकिन विवाह करने से पहले अकबर ने वादा किया था राजपूतों के सामने कि आपके मान सम्मान को हम कभी ठेस, क्योंकि इससे पहले कई गलतियां किया था मुगलों ने, मान सम्मान को ठेस नहीं आने देंगे, हम कभी आपके धर्म पर कुठाराघात या प्रहार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले कई मुस्लिम शासकों ने आक्रांताओं ने आक्रमण किया, शासकों ने किया, तो कई मंदिरों को मैं नहीं बताया आपको, मंदिर को तोड़ा, मंदिर के मूर्ति को तोड़कर कसाई खाना को भेज दिया, कई तो अपने सीढ़ी के दीवार पर मूर्ति को ये चढ़वा लिया, हमारे ईश्वर को भी अपने पैर के तले लौदा, कैसे भरोसा कर लेंगे आप? लेकिन अकबर ने यहां भरोसा दिलाया कि मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इनको सलाहकारों ने कहा था कि राजा का धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, राजा का सबसे बड़ा धर्म राजधर्म होता है, नहीं कि उसका व्यक्तिगत धर्म राजधर्म होता है। अकबर ने यही लिए तो कुछ विद्वान कहते हैं कि अकबर के तक कर्मी को नहीं, क्योंकि इस्लाम का विरोधी था, अजमल भी कहता है ठीक नहीं था अकबर, गलत कि सही, थकान लेगा बाद में, अभी नहीं करेंगे। शासक अच्छा था, धर्म के दृष्टिकोण से अच्छा, औरंगजेब था नहीं, मैंने कहा इसको टेंशन में नहीं लेना है, ऐसे ही बोला हूँ, मैंने कहा जोधा भाई से विवाह किया, लेकिन अकबर धर्म निरपेक्ष राजा के रूप में काम किया, जोधा भाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, इन्होंने फतेहपुर सिकरी के महल में राजमहल के अंदर जोधा भाई को पूजा अर्चना करने के लिए क्या बनवाया था, भगवान कृष्ण के लिए मूर्ति, और अकबर स्वयं उस मंदिर में भी कई बार जाते थे। खैर धर्म की बात मैं चर्चा बाद में करूंगा। तो अजमेर की यात्रा अकबर के लिए, अकबर को जीरो से क्या बना दिया, हीरो, क्योंकि अकबर के लाइफ में एक ऐसी नायिका का प्रवेश होता है जो अकबर के जीवन को ही क्या कर देता है, अपने तो अनपढ़ थे लेकिन जोधा तो पढ़ी लिखी थी ना, गलत सही। अब यहां पर एक नई कहानी क्या होती है कि अकबर ने वहां से आने के बाद शासन व्यवस्था में कुछ सुधार करने का काम किया, लड़ाई तो बाद में बढ़ाएंगे, पहले इनके सुधार लोग जान लीजिए, अकबर ने कुछ सुधार, कुछ अच्छे कार्य करना शुरू किए, कुछ परंपराओं को लागू किया तो कुछ परंपराओं को तोड़ा भी, गलत सही। तो अकबर ने सुधार क्या किया, तो पहली बात बता दे 1562 की हम कहानी कह दे, इन्होंने दास प्रथा को बंद कर दिया, दास प्रथा जिसको गुलामी प्रथा भी आप कह सकते हैं, पहले के समय जो राजा महाराजा लड़ाई लड़ते थे ना, तो लड़ाई में जिसको भी लड़ाई में हरा दिया तो हारे हुए व्यक्ति को दास बना लिया जाता था, उनको एक शाम भोजन मिलता था, पूरा गधा की तरह काम करना पड़ता था, योद्धा में कहीं वही था, आप राजा को न हराए हैं, इंसान को थोड़ी ना हराए हैं, वो कभी आपका वफादार बनेगा, बोले तो बनेगा नहीं बनेगा, तो मानव के साथ अमानवीय व्यवहार क्यों, क्योंकि अगर छोटा है उसके लिए थोड़ा आप करके दिखाइए ना, बहुत आपके लिए करेगा, बड़ा के लिए खून बहेगा तो समय पर पानी नहीं बहेगा, लेकिन यदि आप किसी छोटे के लिए गरीब के लिए एक बार अपन पसीना बहा दिए, समय मिलेगा तो आपके लिए खून बहा देगा। अकबर को समझ में बाती, हमने कहा ना अनपढ़ था लेकिन क्या था, बहुत बुद्धिमान था, दास प्रथा खत्म कर दिया। पुनः दूसरा सुधार क्या किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, जैसे पहली मुगलों के काल में, मुसलमानों के काल में अगर आप हिंदू हैं आप कहां जाते, तीर्थ करने, बाबा धाम जाओगे, हलेश्वर स्थान जाओगे, गिरवसानी जाओगे, अन्हारी जाओगे, जानकी मंदिर जाओगे, पैसा दो तब तुमको जाने देंगे, टैक्स के बिना पूजा तुम कब करने, ये कौन बात हुआ, धर्म के नाम पर टैक्स क्या है, देखो लोगों को सब कुछ छीन लो कुछ नहीं करेगा, धर्म छीनो गोली मार देगा, सिपाही विद्रोह तो 1918-1857 से चिंगारी फुका रहा था, कुछ नहीं किया किसी राजा ने किसी ने सिपाही ने, लेकिन आ गया कथी चरी वाला कारतूस, देश में आग लगाना धर्म के बाद छेड़ना, तो देखो दो आग लग जाएगा, क्योंकि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन धार्मिक छेड़छाड़ बर्दाश्त कहा कि कीजिए ना, कम के नाम कोई करेगा सपोर्टर बन जाएगा। अकबर ने 1563 में हिंदुओं से लिया जाने वाला वसूला जाने वाला तीर्थ यात्रा कर को बंद कर दिया। तीसरा सुधार क्या किया, 1564 में जजिया कर, क्या था जजिया कर, जिमियों से, जिमिया था हिंदू,
गैर मुसलमान से ले जाने वाला सुरक्षा करता। कहते के लिए लोग धार्मिक कर कह देते, लेकिन धार्मिक करिए नहीं था। मुसलमान का राज है, आप हिंदू है कि मैं सुरक्षा करूंगा, सुरक्षा के नाम पर हमको क्या दीजिए, कर दीजिए। यह कर इंडिया में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जो कर लगाया था उसमें बच्चा बूढ़ा अपंग स्त्री माने औरत और ब्राह्मण को वंचित रखा गया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसा राजा बने जो ब्राह्मणों से भी क्या किया था, जजिया कर वसूला था, जजिया कर को हटा दिया। चौथा इन्होंने काम क्या किया, देखा कि हमारे राज्य में दुगो मुसलमान भाई था, खूब लड़ता था धर्म के नाम पर, ये है उसिया पर, कभी सुन्नी पर, कभी देवबंदी पर, खूब लगड़ता झगड़ता रहता था। हिंदू से भी कभी हो जाती थी, हमारे धर्म मरा तुम्हारे धर्म में ये बुराई है। तो धार्मिक वाद विवाद के लिए 1575 में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवा दिया, गलत सही नाम क्या था, इबादत खाना, प्रार्थना भवन बनवा दिया। आओ डिबेट करो यहां पर। लेकिन इस इबादत खाना में सब धर्म के लोग तो ठीक ठाक बात बोलते थे, मुसलमान दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहता था सिया सुनी के नाम पर। तो अकबर ने 1575 में इबादत खाना जो बनाया था, इसको 1579 में मजहर में बदल दिया। इसमें कहा कि डिबेट करोगे तो हम बैठा रहेगा, आज जेब से लवर सबर पति आएगा तो डरना उसको लगेगा, मजहर की घोषणा कर दिया। और अंत में सभी धर्म की अच्छी बातों को जानकर 1582 में कहीं कहीं काशी भी देता है, अकबर ने एक नई धार्मिक विचारधारा की शुरुआत किया था, नाम था दीन ए जो सुलह ए कुल अर्थात सबके लिए शांति के सिद्धांत पर आधारित है। इस धर्म की खासियत देखो, ये कोई अकबर के जैन धर्म मुसलमान धर्म सिया सुनी नहीं था, सभी धर्मों का क्या था, निचोड़ था। हाँ, इस धर्म की का धर्म गुरु कौन था, अकबर। लेकिन धर्म इस धर्म का गुरु अकबर था, एक ही को हिंदू इस धर्म को स्वीकार किया, कौन, बीरबल, जिसका रियल नाम था महेश दास। इस धर्म की विशेषता थी कि जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करेगा अपना जिंदगी में पर श्राद्ध के भोज देगा, माने मरने के बाद में श्राद्ध का भोज गांव भरे वाला के अपने हाथ किया को क्या पता गारंटी है, तो मरेगा तो बेटा बेटी करेगा कि ना करेगा, श्राद्ध का भोज देना पड़ता था। इसी दीन इलाही के धर्म को चलाने के कारण अकबर के दरबार में रहने वाला एक बहुत बड़े विद्वान थे, क्या नाम था, जो अकबर का बहुत आलोचना करता था, बदायूं। अकबर का सबसे बड़ा आलोचक अगर कोई था तो मुंह पर आलोचना करने वाला, लेकिन अकबर को खराब आज आलोचना करोगे तो दोस्ती तोड़ देगा, दुश्मनी में हो जाएगा। क्योंकि तो रहीम ने कहा था कि निंदक नीरा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो आपकी आलोचना करता है, जो आपकी निंदा करता है, उसे आप हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि आलोचना करने वाले आपके दुश्मन नहीं, आपके रियल में मित्र है। क्योंकि बार बार आपकी कमी को आपके सामने क्या करेगा, उजागर करेगा। जब उजागर करेगा तो आपके अंदर थोड़ा सा गिल्टी गलानी महसूस होगी, धीरे धीरे उस कमी को क्या करोगे, सुधारोगे। बदायूं ने इसी दीन इलाही धर्म के कारण अकबर को इस्लाम धर्म का क्या बता दिया था, विरोधी बता दिया था, गलत सही। अकबर ने कुछ परंपरा भी शुरू किया था, उसका नाम था सजदा पैबोस, इसके अलावा तुलादान की प्रथा, झरोखा दर्शन, सजदा पैबोस क्या है, तो जैसे भगवान के मंदिर में कहना जाते हैं, मस्जिद में कहते हैं तो घुटना के बल झुकते हैं, धरती को चुमते हैं। तो अकबर ने कहा कि नहीं, धरती नहीं चुना, मेरे पैर को चुमना है। बड़ा होशियार था कि जो भी सरदार हमारे सामने आएगा, घुटना के बल झुकेगा, हमारे पैर को चुमेगा, तो मेरे विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं करेगा। क्या सजदा और पैबोस, यह परंपरा सबसे पहले बलवन ने शुरू किया था, लागू किया था, वो तो दूसरा वंश का था ना, बलवन गुलाम वंश का था। बाद में अकबर का पोता बना तो इन्होंने पैबोस को हटा दिया, जमी बोस कर दिया कि नहीं, पैर चुमना ठीक नहीं है, जमीन को चुमेगा। तुलादान, अकबर अपने जन्मदिन पर एक परंपरा चलाया, क्या आप लोग गिफ्ट लेने के लिए जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही जन्मदिन पर एक परंपरा शुरू किया, क्या, तुलादान, कि अपने तराजू के पलड़ा पर क्या होते थे, बैठते थे और दूसरे कहते थे कि सोना था नहीं सबको
तौलो, इना की गहूम रख के तौल देवे नहीं, सोना चांदी रुपया आप रखिए और क्या करिए तौलिए। तो अकबर ने तुलाधान परंपरा शुरू की कौन अवसर पर, और एक थरोखा दर्शन चला किया था, कौन दर्शन, क्योंकि अकबर ने सुन रखा था कि कुछ ऐसे भारत में राजा हुए हैं जिनके सेनापति ने ही सेना के सामने काम तमाम कर दिया, क्योंकि वह बाहर निकलता ही नहीं था, उनके लोग तो पहचानते ही नहीं थे क्या। तो अकबर ने क्या प्रतिदिन का नियम था, सुबह सुबह 8 बजे स्नान ध्यान करके राजा का वेश पहनके अपने छत के बालकनी में पूर्व भरे मुंह करके क्या छज्जी पर बैठ जाते थे, ताकि लोग चले तो प्रणामो करे, हमारा चिन्हो करे कि हम ही अकबर, क्योंकि बाद में किसी तरह की होनी अनहोनी हो हम सेफ रहेंगे। अकबर के बारे में इतना ही चर्चा होगी आज की, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। अकबर के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध और उनके द्वारा और भी कुछ परंपराएं शुरू की गई थी कल कहीं।